कि 23 जुलाई को केंद्र सरकार का बजट आने वाला है। जो केंद्र सरकार का बजट होता है वो पूरे देश के लिए होता है। पिछले साल 2023-24 में 45 लाख करोड़ का बजट केंद्र सरकार ने पूरे देश में खर्चे के लिए रखा था। जो केंद्र सरकार या कोई भी राज्य सरकार अपना बजट बनाती है, जो पैसा खर्च करती है, वो पैसा कहां से आता है? वो पैसा देश के लोगों से आता है। जो हम और आप टैक्स भरते हैं, वो पैसा केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकारों के पास जाता है। और सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि हमारे टैक्स के पैसे को हमारे विकास के लिए खर्च करें। दिल्ली के लोग भी टैक्स भरते हैं, दिल्ली के लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। दिल्ली के लोग इनकम टैक्स भरते हैं, दिल्ली के लोग अपनी खरीद फरोख्त में GST भरते हैं। तो दिल्ली के लोग भी मेहनत करने के बाद ये उम्मीद करते हैं कि जो टैक्स हम भरते हैं उस टैक्स से हमारा विकास होना जरूरी है, हमारे शहर का विकास होना जरूरी है, हमारे इलाके का विकास होना जरूरी है। दिल्ली के लोगों के टैक्स का एक हिस्सा दिल्ली की सरकार के पास आता है, जिसमें स्टेट का GST कॉम्पोनेंट, VAT इत्यादि शामिल है। ये पिछले साल की अगर हम इसकी संख्या देखें तो ये 35,000 करोड़ लास्ट ईयर दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की सरकार को टैक्स दिया। ये 35,000 करोड़ कहां पर लगा? जो दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की सरकार को पैसा दिया, वो दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली वालों पर खर्च किया। दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली देने में खर्च किया, दिल्ली वालों को फ्री बिजली देने में खर्च किया, पानी का नेटवर्क अनऑथराइज कॉलोनीज में पहुंचाने में खर्च किया, दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में खर्च किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाने में खर्च किया, फ्री इलाज देने में खर्च किया। दिल्ली में जो हजारों की संख्या में इलेक्ट्रिक बसेज आई हैं, मोहल्ला बसेज आ रही हैं, उनको लाने में खर्च किया, नए फ्लाईओवर्स बनाने में खर्च किया। तो जो दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की सरकार को टैक्स दिया, जो 35,000 करोड़ टैक्स दिया, वो दिल्ली के लोगों पर, दिल्ली के विकास पर खर्च हुआ। लेकिन दिल्ली के लोग सिर्फ दिल्ली सरकार को नहीं, केंद्र सरकार को भी टैक्स देते हैं। दिल्ली इनफैक्ट पूरे देश में वन ऑफ द हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट है। पिछले साल दिल्ली के लोगों ने इनकम टैक्स में 2,00,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को दिया। 2.07 लाख करोड़ रुपीस दिल्ली के लोगों से इनकम टैक्स के तौर पर केंद्र सरकार को गया। इसके अलावा GST में भी एक दिल्ली के लोगों का हिस्सा होता है जो केंद्र सरकार को जाता है। इसकी संख्या पिछले साल 25,000 करोड़ थी। तो कुल मिलाकर दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार को 2.32 लाख करोड़ रुपयों का टैक्स दिया। अब दिल्ली वालों ने जब दिल्ली सरकार को 35,000 करोड़ टैक्स दिया, तो वो पूरा 35,000 करोड़ रुपए दिल्ली वालों पर खर्च हो गया। तो अब ये सवाल है कि जो 2.32 लाख करोड़ रुपीस, यानी अगर आप मान लीजिए 2.5 लाख करोड़ रुपए तकरीबन जो दिल्ली वालों ने केंद्र सरकार को टैक्स में दिया, उसमें से कितना पैसा दिल्ली पर खर्च हुआ, उसमें से कितना पैसा केंद्र सरकार ने दिल्ली को दिया? जीरो। निल बटे सन्नाटा। दिल्ली के 2.5 लाख करोड़ रुपए के टैक्स से दिल्ली के लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिला। आज मैं केंद्र सरकार से, दिल्ली वालों की तरफ से ये पूछना चाहती हूं कि दिल्ली के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? दिल्ली के लोग जो मेहनत करते हैं, दिल्ली के लोग बिजनेस करते हैं, दिल्ली के लोग नौकरी करते हैं और दिल्ली के लोग ईमानदारी से टैक्स देते हैं, तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का टैक्स केंद्र सरकार को देते हैं, तो उसमें से 1 रुपया भी दिल्ली को क्यों नहीं मिलता है, ये आज हम जानना चाहते हैं। दिल्ली के अलावा अगर आप और बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स देखिए इनकम टैक्स के, तो बॉम्बे जो शहर है वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करता है इनकम टैक्स का। बॉम्बे से केंद्र सरकार को 5 लाख करोड़ का इनकम टैक्स आता है और उसके अवज में महाराष्ट्र की सरकार को केंद्र से एज शेयर इन टैक्सेस क्या मिलता है? 54,000 करोड़ रुपए। तो बॉम्बे के लोग, महाराष्ट्र के लोग जब 5 लाख करोड़ का टैक्स देते हैं, तो उनको केंद्र सरकार से उसके हिस्से में
54,000 करोड़ यानी 54,000 करोड़ रुपीस बजट में मिलते हैं। लेकिन इस बार के बजट में ये दिल्ली वालों की मांग है कि दिल्ली को अपना हक मिलना चाहिए। जब दिल्ली के लोग मेहनत करके ईमानदारी से टैक्स देते हैं तो हमें हमारे टैक्स का पैसा हमारे शहर के विकास के लिए क्यों नहीं मिलता? अगर दिल्ली को अपना हक मिलेगा तो दिल्ली में जिस स्पीड से डेवलपमेंट दिल्ली सरकार कर रही है उसकी स्पीड बढ़ सकती है। दिल्ली में हम बहुत बेटर और स्पीड से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्लाईओवर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। हम पावर सेक्टर में और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर में और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम दिल्ली को सुंदर बनाने में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दिल्ली वाले कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, दिल्ली वाले अपना हक मांग रहे हैं। देखिए, हम ये भी नहीं कह रहे कि जो सारा पैसा हम टैक्स में देते हैं वो हमें वापस मिलना चाहिए। हमें भी पता है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर पूरे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये सही है कि जो देश के और हिस्से हैं जो दिल्ली की तरह विकसित नहीं है, जहां पे दिल्ली की तरह इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है, दिल्ली का कुछ पैसा देश के अलग अलग हिस्सों में भी जाना चाहिए। लेकिन ये कैसा न्याय है कि दिल्ली के लोग 2,00,000 करोड़ इनकम टैक्स दें, 25,000 करोड़ सेंटर को जीएसटी का हिस्सा दें, लेकिन हमें दिल्ली वालों को उसमें से 1 रुपया भी नहीं मिले? क्या आपको लगता है कि ये दुनिया के किसी भी और बड़े शहर में होता होगा? क्या आपको लगता है कि अमेरिका की सरकार न्यूयॉर्क से सिर्फ पैसा लेती होगी और कहती होगी कि हम तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देंगे? क्या आपको लगता है कि टोक्यो में जापान की सरकार ये कहती होगी कि जितना तुम पैसा कमाओगे वो सारा पैसा हम रख लेंगे लेकिन हम टोक्यो शहर को 1 रुपया भी नहीं देंगे? क्या आपको लगता है कि यूके की सरकार ये कहती होगी कि लंदन से जितना टैक्स आता है वो सारा इंग्लैंड की सरकार रख लेगी और लंदन शहर में 1 पैसा भी नहीं लगाएगी? मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं ये दुनिया में किसी भी शहर के साथ, किसी भी राज्य के साथ ऐसा अन्याय नहीं होता जो दिल्ली के साथ हो रहा है। ऐसा अन्याय हमारे देश ने अपने इतिहास में एक बार पहले भी देखा है। यह अन्याय भारत के साथ होता था जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे। जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे तो जो भी भारत से टैक्स वसूलते थे, चाहे वो हमारे किसानों से हो, चाहे वो हमारे कारीगरों से हो, उसमें से 1 रुपया भी भारत के पास नहीं आता था। वो सारा पैसा लंदन चला जाता था, वो सारा पैसा अंग्रेजों के हाथ में चला जाता था। वही अन्याय, वही अत्याचार आज दिल्ली के साथ हो रहा है कि दिल्ली वाले 2,00,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स दे रहे हैं लेकिन हमें उसमें से 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार सारा पैसा रख रही है और दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। तो इस बार दिल्ली वालों की केंद्र सरकार से यह मांग है कि इस बार जो 2,00,000 करोड़ इनकम टैक्स हम देते हैं उसमें से दिल्ली को 10,000 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। ये 10,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पूरे बजट का मात्र 0.25% है। दूसरा, जो दिल्ली इनकम टैक्स में कंट्रीब्यूशन देती है उसका ये मात्र 5% है। तो दिल्ली वालों का दिल कितना बड़ा है ये देखिए। हम कह रहे हैं कि जो हम इनकम टैक्स देते हैं उसका 95% हिस्सा पूरे देश पे खर्च करो, पूरे देश के विकास पे खर्च करो, देश में अच्छे हाईवे बनाने पे खर्च करो, अच्छे स्कूल बनाने पे खर्च करो, अच्छे अस्पताल बनाने पे खर्च करो। लेकिन दिल्ली वाले जो टैक्स देते हैं उसका 5% हिस्सा दिल्ली के विकास के लिए दीजिए। 10,000 करोड़ इस साल दिल्ली को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मिलना चाहिए, यह हमारी केंद्र सरकार से मांग है।